तो गाइस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले होली के सबसे इंटरेस्टिंग आइटम जो कि बैलून पंच। भाई एक प्यार में ही जो काफ़ी सारे बैलून आप भर सकते हैं, लगभग 37 बैलून है जो कि बहुत जल्दी भर जाते हैं। पहले क्या करते थे, पिचकारी में एक एक बैलून भरते थे और उसमें गांठ बांधते थे, उसमें आधे ज़्यादा बैलून फट जाते थे और बहुत टाइम उसमें लगता था। लेकिन ये बैलून पंच काफ़ी कमाल का है, काफ़ी कम टाइम में बेसिकली भर जाता है। इसके अंदर पानी या कलर जो भी आप भरना चाहते हैं। भाई इसके अंदर जो तीन पैकेट वाला भी आता है और सिंगल जो सिंगल स्टिक वाला भी आता है। एक स्टिक में लगभग 37 बैलून के समथिंग होते हैं। ये 30 रुपये के या 25 रुपये, 25 से 30-35 रुपये के समथिंग की एक सिंगल वाली मिल जाएगी। भाई आप तीन वाला लेने जाएंगे या आपको मिल जाएगा 70 से लेके 90 तक का मिल जाएगा आपको। पैकेट ये होता है इस तरह की, इसके अंदर से निकलती है बैलून की स्टिक। भाई देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे बैलून लगे हुए। सो प्रोडक्ट करते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने कम टाइम में यहाँ पर कितने बैलून भरने वाले हैं। सो गाइस ये रहा बैलून पंच, और ऐसे मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना जिससे जो आप इजीली इसमें जो कलर ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस कैप को रिमूव करना, यहाँ पर लिक्विड कलर डाल दीजिए या फिर पाउडर डाल दीजिए, सिंपली इसको बंद कीजिए और भाई इसको ऐड कर दीजिए। इसको चाहे तो आप डायरेक्ट टैप में भी ला सकते हैं, लेकिन भाई मैं क्या यूज़ करता हूँ, बैटरी में तो क्या लगती है, जो वॉशिंग मशीन का पाइप होता है ना उसकी जो रबड़ होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो इजीली ग्रिप बना लेती है। अब देखना कितने कम टाइम में ये जो भर जाएगा। सिंपली इसके ऊपर लगाते हैं और रियल टाइम में आप वीडियो देखना। ओ भाई भाई कुछ बैलून में ना छेद है, देखो कितने बड़े बड़े। खैर लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत जल्दी भर जाएंगे देखना। सो गाइस देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं भाई ये। तो गाइस देख रहे हो पूरा अंगूर का गुच्छा लग रहा है भाई। वाह 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 क्या बात है भाई। सो गाइस ये बैलून बस थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन भाई बहुत जल्दी ये भर भी जाते हैं बैलून सारे के सारे। इसमें कलर ऐड कर देते तो कलरफुल लगते, लेकिन भाई सारे बैलून का कलर नहीं पता लग पाता उस पर, इसलिए यहाँ पर मैंने कलर ऐड नहीं किया। और जैसे ये पूरी तरह से भर जाएंगे ना, उस वक्त होगा क्या कि ये अपने आप ही गिरने लग जाएंगे, आपको इसको झटका देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप चाहते हैं निकाला जल्दी तो झटका भी दे सकते हैं। और भाई साहब ये देखिए भाई, जैसे कि कोई लीची का या आम का गुच्छा हो, इतना बड़ा तो खैर आता नहीं होगी, लेकिन भाई लग एक नंबर रहे भाई, एक नंबर भाई, मजा आ रहा है भाई इसको देख के, मतलब देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं। और भाई झटका देना स्टार्ट करें, निकालने के लिए सिंपली इस तरह से भी खींच के निकाल सकते हैं, लेकिन अपने आप निकलने लग जाते हैं। एक तो गिर गया इसमें से निकल के, ऐसे ऐसे हिलाएंगे ना लाइक दिस। ओ भाई पानी के छींटे आ रहे, तो गाइस निकलने लगे हैं काफ़ी जल्दी जल्दी। और इस तरह से जो बचे हुए उनको भी इस तरह से मैं निकाल देता हूँ। और भाई दो बैलून यहाँ पर फेल निकले, लेकिन भाई देख सकते हैं कितने कम टाइम में यहाँ पर जो सारे बैलून भर चुके हैं। पूरी बाल्टी ना भरी हुई है भाई, इस बार मैंने बड़ी बाल्टी ली है। तो गाइस देख सकते हैं सारे बैलून भर चुके हैं और भाई पूरी बाल्टी यहाँ पर बैलून से भर चुकी नीचे तक। इसमें ने कलर ऐड नहीं किया जानबूझ के भाई, अभी बैलून का कलर एक्चुअली में नज़र आ रहा है जिस वजह से। और लग कितने प्यारे रहे भाई, देखा कितने कम टाइम में जो आप बैलून पर उसको भर सकते हैं। तो कोई बैलून लेते हैं 4-5 एक साथ और डालते हैं भाई, देखेंगे फूटेंगे नहीं फूटेंगे। भाई बैलून लगते काफ़ी तेज हैं बेसिकली, जब आपको पढ़ते होंगे होली पे पड़े होंगे कभी, क्योंकि फूटते नहीं है जल्दी से, खासकर वो जो पूरी तरह से टाइट ना हो। मतलब ये बैलून बन में क्या होता है, पूरी तरह से टाइट नहीं होते जिस वजह से ये जल्दी से फूटते भी नहीं है। ऐसे मैं लेता हूँ मैं 4-5 बैलून और भाई इनको डालते हैं, देखते हैं फूटेगा नहीं फूटेगा। 1, 2, 3 भाई दो बैलून बच गए। अब भाई इनको थोड़ा फेंक कर देखते हैं कौन सा बैलून कितनी जल्दी फूटेगा। सो इसको उछालते हैं। सो गाइस काफी सारे बैलून जो जग में डाल लिए हैं, अब भाई इनको एक साथ उछालता हूँ मैं जरा, लेट्स सी फूटेंगे कितने फूटेंगे। ओहो हो भाई 4 बैलून अभी भी बच गए फूटने से। कमेंट करके जरूर बताइए जो जो लोग भी बैलून बन चलाते हैं कलर वगैरह किस तरह से ऐड करते हैं। सो ये थी भाई बैलून बन टेस्टिंग की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, तो जैसे कर दें दोस्तों, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।